तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और बहुत दिनों से मैं राइट पे नहीं गया क्योंकि बहुत दिनों से मैं एग्ज़ाम में भी बिज़ी था और बाहर निकलना लगभग मुश्किल ही हो रहा था। और ये जो गर्मी है, क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा गर्मी, और गर्मी में राइड करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा आज जाएंगे हम सिलीगुड़ी, क्योंकि थोड़ा काम भी है मेरा सिलीगुड़ी में। और तो चलते हैं ये साथ में, राइड का मज़ा लीजिए आप भी। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, पीछे जो था वो उत्तर दिनाजपुर था। और मेरा बाइक का फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है। सामने एक पेट्रोल पंप है जहाँ से मैं हर वक्त पेट्रोल डलवाता हूँ बाइक में। तो जाएंगे पहले पेट्रोल पंप, वहाँ से बाइक को पेट्रोल से फिलअप करेंगे, फिर हम निकलेंगे फिर से। चलिए पेट्रोल पंप में और पेट्रोल भी डलवा लेते हैं बाइक में। पूरे 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया, फिर भी यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। क्या पता नहीं क्या हो गया बाइक को, आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद भी यहाँ पे पेट्रोल शो ही नहीं हो रहा है। सामने मुझे कुछ भीड़ दिखा, पता नहीं क्या है, पर मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। तो गाइस, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है कुछ ही देर पहले, तो कुछ हुआ ऐसा कि मैं जो जा रहा हूँ इस रूट से, बाइक आ रही थी विधान नगर से इस्लामपुर के ओर, और सामने जो आपको क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, ऐसे एक ट्रैक्टर, वो भी रेत लोड किया हुआ था उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई हॉर्न वगैरह बिना देखे यहाँ से डायरेक्टली चला गया, इस पर क्रॉसिंग कर दिया। और वो जो एपाची थे वो लगभग 100 के ऊपर में स्पीड था, जो यहाँ पे लोकल जो आदमी लोग ठहरा था वो लोग ने कहा है कि अब 100 के ऊपर स्पीड था शायद बाइक का, और उन्होंने ब्रेक भी किया बाइक में ABS ना होने का कारण, वो एकदम से सीधा सीधा आकर ट्रैक्टर से टकरा गया। और फिर तो आप लोग दिखा ही उसका हालत,
तो गाइस, और वो हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था बेचारा, उसका सर का सर भी फट गया और पैर भी टूट गया दोनों ही। तो आप लोगों की बस एक ही बात बताऊंगी, जब भी आप बाइक राइडिंग करो तो हेलमेट पहन के किया करो। सामने एक बंदा जा रही है, वो भी हेलमेट बिना हेलमेट पहने के, पता नहीं इन लोगों को क्या आ जाती है मन में। राइडिंग के वक्त तो हेलमेट पहना करो यारो, पता नहीं कब क्या हो जाए रोड में चलने के वक्त। तो जब भी आप बाइक चलाया करो हेलमेट कृपया से पहना करो हेलमेट।